गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज शुरू कर रही हूँ पूजा घर से अपना ब्लॉग। तो मेरा सुबह का पूजा ख़त्म हो गया। पूजा ख़त्म करके अभी जाऊंगी नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आज छुट्टी का दिन, घर में सभी रहेंगे और घर उधर मिस्त्री भी काम कर रहे हैं। तो अपने गार्डन से मैं थोड़ा सा पालक और धनिया उठा के लेके आ गई। इसको मिक्स करके मैंने और थोड़ा सा पत्ता गोभी भी काट लिया। आज प्याज लहसुन नहीं डालूंगी, ऐसे ही सादा तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि शाम में जाना है थोड़ा सा गुरुदेव के आश्रम में, तो इसलिए ऐसे सादा तरीके से पकौड़ा बना रही हूँ मुरमुरे के साथ खाने के लिए। तो इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च, नमक, हल्दी, सारा कुछ डाल के बेसन मिला के इसको पकौड़े के लिए गूंथ लूँगी, और थोड़ा सा हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो इसी तरीके से काट कूट के सब कुछ मिला के फिर पकौड़े के लिए तैयार कर लूँगी। ऐसे पकौड़े बना के देखिए, बहुत खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं। तो इसी से हमारा नाश्ता हो गया, अब करेंगे दूसरा काम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। आज छुट्टी का दिन है तो सभी मिलके मतलब सुबह का नाश्ता वगैरह हो गया। आज तो ड्यूटी जाना नहीं था, इसलिए सभी ने ऐसे ही घर में थोड़ा सा पकौड़ा और मुरमुरा नाश्ता किया। अभी बाकी घर का काम करूँगी और कहीं जाना है, तो ससुर जी के लिए नाश्ता बना के तैयार करके मतलब खाना खिला दिया। अभी खाना बना के फिर जाऊँगी। पता नहीं अभी उधर जाकर कितने बजे तक आएंगे, थोड़ा जाना है हमारे ठाकुर जी के आश्रम में, उधर जाऊंगी। थोड़ा शाम को जाने में अच्छा होता, वो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता, लेकिन अभी तो जाऊंगी। कितने बजे तक जाऊंगी? 1 बजे तक ही जाऊंगी। तो सब कुछ खाना वाना बना देती हूँ, बहुत सारा बर्तन है उसको धोऊंगी। और बाहर सब बैठे हैं, दीदी उदी बात कर रहे हैं, इधर पड़ोस वाली दीदी, ससुर जी और मेरे हस्बैंड सब बैठे बैठे बातें कर रहे थे। मैं भी खड़ी थी तो मुझे पूछ रहे थे खाना कब बनाओगे, तो मैं बोल रही थी अभी नाश्ते का बर्तन भी धोना है, तो नाश्ते का बर्तन उर्तन धो के खाना बनाऊंगी। ये लोग बैठे बैठे बातें करने दो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना बना के मुझे तैयार भी होना था। आज थोड़ा नाश्ता करने में भी लेट हो गए, क्योंकि छुट्टी का दिन हर काम लेट होते हैं, और सुबह सुबह मौसम भी ऐसे था कि बिल्कुल अभी सुबह 12:45 का टाइम हो रहा है, फिर भी देखिए पीछे ऐसे धुंध धुंध सा दिख रहा है, इसी वजह से सुबह काम करना भी लेट हो गया। अभी मेरा खाना बन गया और मैंने ससुर जी को भी खाना दे दिया और लोगों को भी खाना खिला दिया। अभी मैं तैयार होंगी, क्योंकि सभी तैयार हो गए, मैं तैयार होकर फिर जाऊँगी। बच्चे भी खड़े हैं, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो हम लोग तैयार हो गए, अभी सभी मिलके जाएंगे आश्रम में। ससुर जी नहीं जाएंगे तो उनको दे दिया खाना, मैं बता रही थी। तो अभी जा रही हूँ, उधर जाके मिलते हैं, अभी लेट हो रहे हैं। तो देखिए हम लोग निकल पड़े हैं, इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत ही पास है, लेकिन जाते जाते लेट हो गए, क्योंकि बेटे को थोड़ा दुकान में काम था, अभी सामान आए थे तो सामान सब एंट्री करा के फिर आना था बोल के, फिर आते आते थोड़ा लेट हो गए। तो हम लोग जा रहे तो पहुंच जाएंगे, लेकिन और थोड़ा जल्दी जाते तो अच्छा होता। तो देखिए हमारे इधर का रास्ता कितना सुंदर है, दोनों तरफ पेड़ है, रास्ता कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे लगता है बहुत दूर तक ऐसे रास्ते में चलते रहे। आप लोगों को कैसा लगता है? देखिए कितना सुंदर लग रहा है रास्ता। अभी देखिए पूरा ज़मीन चारों तरफ, दोनों रास्ते के दोनों किनारे ज़मीन है। अभी ज़मीन का धान कट गए, अभी नए धान बोएंगे, तो अभी ज़मीन कितना खाली खाली लग रहा है ना, जब धान भरा रहता है एकदम सुनहरे रंग के जैसे लगते हैं, अभी खाली खाली सा लग रहा है, और कुछ दिन के बाद धान खेती हो जाएगा तो दोनों तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। तो देखिए बात करते करते हम लोग पहुँच ही गए बस, और सभी लोग जो लोग बहुत पहले आए थे वो लोग निकल रहे अपने घर के लिए, क्योंकि सर्दी है तो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके जल्दी जल्दी जाना भी ज़रूरी है। तो बहुत लोग आए थे, हम लोग जब देखे तब मतलब बहुत लोग चले गए थे,
ये देखिए कितना सुंदर फूल उसका फूल भी बेच रहे हैं। इधर हम लोग कभी नहीं आए थे। देखिए मंदिर का इधर सामने का हिस्सा है, एक थर्मोकोल से सजाया। जितने भी भक्त हैं वो गुरुदेव की जो नाम लेके रखे वो लोग आए हैं। देखिए कितना सुंदर सजाया। पीछे आश्रम है उनका, वो अभी तैयारी चल रहे है। और बहुत सुंदर सुंदर बहुत अच्छे अच्छे गायक आए थे उधर गाना गाने के लिए। उधर दूसरे जगह पंडाल है, मैं बाद में दिखाऊंगी, क्योंकि सभी बोल रहे कि जल्दी जल्दी जाके प्रसाद ले लो, तो नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। तो हम लोग पहले इधर से निकलते ही उधर आश्रम के अंदर से गए थे, तो आश्रम देख के गए थे। ये देखिए कितना सुंदर ये थर्मोकोल से बनाया है ना। तो मंदिर के वो जो पंडाल के पीछे ही मंदिर था, तो हम लोग सभी अंदर गए। देखिए भगवान जी को कितना सुंदर सजा के रखे हैं। अब ये मंदिर तैयार होना है। अभी मिट्टी का कच्चा मिट्टी का मकान में ही भगवान जी को रखे गए हैं। यही जो आश्रम है ये अभी बड़ा करके तैयार होंगे बोल के ये अनुष्ठान किया गया है। तो जो हमारे गुरुदेव के आश्रम है वो देवघर में है, बिहार देवघर सत्संग में है। आप लोगों को पता होगा, तो किसी किसी को अगर के कोई अगर यही हमारे गुरुदेव की दीक्षित लोग हैं तो आप जय गुरु कमेंट में लिखना ज़रूर। तो देखिए सभी के मिला जुला के ये अनुष्ठान संपन्न किया। कितने कार्यकर्ता है इसमें काम करने के लिए, कितने दिनों की मेहनत करके ये लोग एक अनुष्ठान को संपन्न किया। तो देखिए पंडाल में इतने लोग थे, सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। हम लोग भी लास्ट लास्ट में गए थे प्रसाद के लिए। लेकिन देखिए कितना सुंदर, मतलब इन लोगों के रहन सहन की, मतलब भगवान जी को सेवा करने की, उनके जगह की अच्छे से देखभाल करने की, लोगों की मन में इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी जाके लोग इतना कुछ कर पाते हैं। इतना सुंदर सजाया। और इधर देखिए कितना, मतलब देखने लायक थे, एकदम बतख छोड़ के रखे थे ये सब बना के। और इधर ही जो काउंटर था, काउंटर में मेरे बेटे की दोस्त थे वही, तो ये लोग सब, जब मैं बोल रही थी ना मेरे बच्चे दार्जिलिंग घूमने गए थे तो इन्हीं के साथ गए थे, तो इसी काउंटर में उसी के हंस रहे थे। आज कुछ दिनों से ये लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, तो इन लोगों को देखिए तबीयत, मतलब हालत कितना ख़राब है, मतलब 4-5 दिनों से एकदम रात रात भर जग के काम कर रहे। और इधर देखिए बहुत जगह के लोग आके इधर गाना गा के गए। तो हम लोग जब खाना खाने बैठे थे तो इधर बहुत कुछ प्रोग्राम भी हो गए थे, तो जो लोग मतलब इतना कुछ कार्य करता है उन लोगों को सभी को सम्मानित किया गया है, जो हम लोग देख मिस कर दिए। देखिए हम लोग मेला उला भी थोड़ा सा घूम घाम के आ गए, क्योंकि जल्दी आना है घर में, अभी ख़त्म भी हो गए, ज़्यादा देर रह के क्या फ़ायदा। तो हम लोग, मैंने एक ठाकुर जी की फ़ोटो लिए, घर में फ्रेम है तो उसी में लगाऊंगी। तो चलिए हम लोग घर के लिए रवाना देते हैं। थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर पहुँच गए थे, क्योंकि पास ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। चलिए हम लोग घर के लिए निकल पड़े हैं। और बच्चे इधर बोल रहे थे मम्मी कहीं चलो दूर घूमने जाते हैं, तो वही बात लेके बात चल रहे थे कि कहाँ जाए घूमने के लिए, क्योंकि घर से दूर जाना नहीं है। दूर कहाँ जाना है, अभी खेती में कितना अच्छा लग रहा है ना, तो दिखाई नहीं है। पहाड़ी भी तो ऊपर की साइड में है ना, कहाँ पहाड़ी में। Oh.
आश्रम में जाके उधर तो खूब बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा चेंज भी हो गए। उधर से हम लोग आ रहे तो मेरा वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, और जो नए देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा कि नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएंगे। और देखिए स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि उपलक्ष्य में ये रैली हो रहे थे, स्कूल की रैली, तो ये बहुत दूर तक गया लेकिन गाड़ी की वजह से उठा नहीं पाई। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करके कर दीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।